नमस्कार। आज हम करें ग्रुप की कोटि पर प्रमेय नंबर थर्ड। तो प्रमेय है एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि गुणांक और उसके जनक की कोटि बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए अब सिद्ध करना है चक्रीय समूह की कोटि यानी कि चक्रीय ग्रुप की कोटि और उसके जनक की जो कोटि है वो बराबर होती है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक परिमित चक्रीय ग्रुप ले लेते हैं। तो माना जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक स्मॉल ए है। ठीक है, मान लिया कि जी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक स्मॉल ए है और ये जो जनक है इसकी कोटि मान ली एन है। तो माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन का मतलब हम जानते हैं ए की पावर एन इक्वल टू ई। ठीक है भाई, अब देखिए हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय ग्रुप इस ग्रुप की कोटि और इस जनक की कोटि क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए ए की कोटि आपने एन ली है, इसका मतलब जी की कोटि भी कितनी होगी, एन। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक समुच्चय ले लेते हैं एच। तो माना एक समुच्चय है एच और ये समुच्चय एच इस प्रकार से है ए की पावर वन यानी कि ए फिर ए स्क्वायर ए क्यू और ए की पावर एन जो कि ई के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो समुच्चय एच है इसको हम देख सकते हैं कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, एन। अब अगर इनमें से कोई दो बराबर हो जाए तो एन एलिमेंट नहीं रहेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे ये सभी एलिमेंट अलग अलग हैं, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है। तो ऐसा करने के लिए माना यदि संभव हो तो माना ए की पावर आई इक्वल टू ए की पावर जे। ठीक है, यदि संभव है तो माना ए की पावर आई इक्वल टू ए की पावर जे और मान लिया कि आई लेस देन जे है या आई छोटा है जैसे, तो दोनों पक्षों को ए की पावर माइनस आई से ऑपरेट कर देंगे हम लोग, तभी आपके पास आ जाएगा ए की पावर आई डॉट ए की पावर माइनस इक्वल टू ए की पावर जे डॉट ए की पावर माइनस आई। ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट, बन जाएगा दोनों एक दूसरे के इनवर्स। तो ई इक्वल टू ए की पावर जे माइनस आई, और देखिए भाई जे और आई दोनों एन एन से छोटे होंगे इसलिए जे माइनस आई एन से छोटा बनेगा। तो मिनिमम तो जीरो हो सकता है जे माइनस आई का वैल्यू, लेकिन जो भी हो एन से क्या रहेगा हमेशा छोटा। तो इक्वल टू ए की पावर जे माइनस आई, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल देन जे माइनस आई, तो जे माइनस आई लेस देन कितना है एन, जो कि असंभव है क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एन, जबकि हमने देखा है यहां पर ए का ऑर्डर तो कितना है एन है, तो इसका मतलब ये असंभव है। क्या असंभव है, ये जो कि असंभव है और यह असंभव है, इसका मतलब ए की पावर आई बराबर नहीं होगा ए की पावर जे के, अतः ए की पावर आई इज नॉट इक्वल टू ए की पावर जे। इसका मतलब यह होगा कि सभी अवयव अलग अलग है, अतः एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न है। अतः एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न है और आप देख पा रहे हैं कि एच के अंदर एन एलिमेंट है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच एन है। अब अगर एच और जी बराबर हो जाए तो जे का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब एच और जी को बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है भाई देखिए अब एच और जी को अगर बराबर करना है तो एच सबसेट होना चाहिए जी का और जी सबसेट होना चाहिए एच का। तो पहले तो हम जी को सबसेट कर रहे हैं एच का, तो
तो जेकर कोई भी कार्बिट्री एलिमेंट लेंगे तो माना कि बी बिलोंग्स टू जी, माना कि ग्रुप जी का एक एलिमेंट है बी, तब बी इक्वल टू ए की पावर एल। भाई जी चक्रीय ग्रुप है ना, चक्रीय ग्रुप है इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव को आप ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, तो बी को भी ए की पूर्णांक घात में लिख सकते हैं। तो पूर्णांक घात में लिख दिया ए की पावर एल, एल यहां पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब देखिए एल अगर एन से छोटा होगा तो ए की पावर एल एच का एलिमेंट होगा। अब दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि एल अगर एन से छोटा नहीं हो, एन से बड़ा हो, तो विभाजन एल्गोरिथम से, तो पहली कंडीशन तो कि यदि एल लेस देन एन तब ए की पावर एल बिलोंग्स टू एच। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं हम लोग, यदि एल ग्रेटर देन एन तब विभाजन एल्गोरिथम से, यदि एल ग्रेटर देन एन तो विभाजन एल्गोरिथम से एल ग्रेटर देन एन तो विभाजन एल्गोरिथम से एल इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, आर यहां शेषफल है तो शेषफल मिनिमम हो सकता है जीरो, लेकिन चाहे जो भी हो एन से डिवाइड करेंगे तो एन से छोटा रहेगा, तो जीरो लेस देन इक्वल देन आर लेस देन एन। अब बात करते हैं हम ए की पावर एल की, इसलिए ए की पावर एल इक्वल टू ए की पावर एल का भी कुछ कर दिया एन क्यू प्लस आर, इसको आप लिख पाएंगे ए की पावर एन क्यू डॉट ए की पावर आर। अब ये जो ए की पावर एन क्यू है इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन ऑल पावर क्यू डॉट ए की पावर आर। और देखिए भाई ए की पावर एन ई के बराबर है ना, क्योंकि एन यहाँ पर क्या है एक ऑर्डर है, तो ए की पावर एन इक्वल टू ई ऑल पावर क्यू डॉट ए की पावर आर। E तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए ए की पावर क्यू ई के बराबर रहेगा डॉट ए की पावर आर, और ई आइडेंटिटी एलिमेंट है इसलिए ई डॉट ए की पावर आर ये बराबर रहेगा ए की पावर आर के, और आर देख सकते हैं आप लोग यहाँ लेस देन एन है, लेस देन एन है इसका मतलब ए की पावर आर एलिमेंट है एच का, और ए की पावर आर मतलब ए की पावर एल के बराबर ही था ना, इसलिए बी एलिमेंट हो गया एच का। देखिए बी को हमने जी का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया था और वो एच में मिल गया, इसका मतलब जी इज सबसेट ऑफ एच, इसको तो नंबर फर्स्ट कर देंगे हम लोग। और दूसरा अब एच को करेंगे अपन, तो चूंकि जी एक ग्रुप है ना इसलिए सामित गुणधर्म से, अब देखो एच के अंदर जो एलिमेंट है सारे एक ही पूर्णांक घात में लिखे हुए है ना, और सामवेद गुणधर्म क्या कहता है कि ए अगर ग्रुप जी का एलिमेंट है तो ए को ए से हम चाहे कितने बार ऑपरेट करें जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो ग्रुप जी में मिलेगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एच के सभी एलिमेंट जी में विद्यमान है, और एच के सभी एलिमेंट जी में विद्यमान है इसका मतलब एच इज सबसेट ऑफ जी। सेकेंड अब ए व दो से देखिए जी सबसेट है एच का और एच सबसेट है जी का, इसका मतलब एच इक्वल टू जी, और एच और जी कोई भी दो सेट अगर बराबर है इसका मतलब दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, और एच का ऑर्डर तो अपने को पता है ना किसके बराबर है एन के बराबर, और जी का जो जन्म था उसका ऑर्डर भी हमने कितना लिया था एन लिया था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमित चक्रीय ग्रुप में ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि हमेशा बराबर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है यहां लिखते ना आदर किसी परिमित चक्रीय ग्रुप में किसी परिमित चक्रीय ग्रुप में परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है,
उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। ठीक है भाई, अब अगला प्रमेय में देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए प्रमेय नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं, ठीक है भाई। देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। ठीक है भाई। देखिए तो सबसे पहले हम लोग एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप लेते हैं, तो माना जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप तथा जिसका जनक ए है, ठीक है भाई। माना कि जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। अब हमें सिद्ध करना है कि इसके केवल और केवल दो ही जनक होंगे। अब देखिए पीछे हम प्रूव कर चुके हैं प्रमेय में, अगर किसी ग्रुप का जनक ए है तो इसका जो प्रतिलोम है ए इनवर्स वो भी इस ग्रुप का जनक होगा। जिसका जनक ए है आता है ए इनवर्स भी जी का जनक है, ए इनवर्स बी जी का जनक है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है यहां कि दो, तो देखिए आपने दो देखा ए और ए इनवर्स, तो बात यहां आती है ए और ए इनवर्स दोनों भिन्न भिन्न होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों समान हो गए तब तो फिर एक ही जनक बन जाएगा ना, तो दोनों होने चाहिए भिन्न भिन्न। ए इनवर्स बी जी का जनक है तथा ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। अब ए और ए इनवर्स बराबर क्यों है वो भी हम प्रूव करके बता देते हैं यहां पर, क्योंकि यदि संभव है तो माना ए इक्वल टू ए इनवर्स। सपोज ए और ए इनवर्स अगर बराबर हो जाए तब क्या होता है, इसके दोनों पक्षों को ऐसे ऑपरेट कर दीजिए, तब ये आपके पास में जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए, यानी कि ए स्क्वायर ये आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, और ए स्क्वायर इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या होगा भाई, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू टू, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू टू, और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू टू का मतलब हम जानते हैं भाई क्या बनेगा, एका जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए टू ही लेस देन इक्वल देन टू, दो या दो से छोटा, और ए का ऑर्डर अगर लेस देन इक्वल देन टू है इसका मतलब जी का जो ऑर्डर है वो भी लेस देन इक्वल देन टू होगा, क्योंकि एक प्रमेय हम कर चुके हैं कि ग्रुप का जनक किसी भी चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल देन टू, जो कि असंभव है। अब अगर ये असंभव है तो फिर हम बात करते हैं यहां पर
हाँ दो हो गए, असंभव का मतलब ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब दो अलग अलग जनक आपको मिल गए यहां पर ए और ए इनवर्स। अब हमें सिद्ध करना है कि केवल दो ही जनक होंगे, यानी अब इन दो के अलावा कोई तीसरा जनक नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तीसरा जनक ले लेते हैं सबसे पहले अगर संभव है तो। तो यदि संभव है तो माना यदि संभव है तो माना ए की पावर एन बी जी का जनक है, यदि संभव है तो माना ए की पावर एन बी जी का जनक है। अब ए की पावर एन अगर जी का जनक है तो अब देखते हैं क्या होता है। इसलिए देखो भाई ए की तो जी का एलिमेंट है ना, ए जी का एलिमेंट है क्योंकि जनक है जी का, इसका मतलब एलिमेंट तो भाई। अब ए अगर जी का जनक है तब देयर एग्जिस्ट्स एन बिलोंग्स टू जेड, ताकि भाई यहां पर एक पूर्णांक एन इस प्रकार से होगा ताकि ए बराबर होगा ए की पावर एम की होल पावर एन के, क्योंकि ए की पावर एम जनक है ना, जनक का मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट को आप ए की पावर एम के पूर्णांक घात में लिख सकते हैं, तो ये ए की पावर एम और इसकी पूर्णांक घात कर दी एन, ए को ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। इसका मतलब ये इस प्रकार से बनेगा ए इक्वल टू ए की पावर एन एन। अब अगर मैं दोनों पक्षों को ए इनवर्स से ऑपरेट कर दू तब देखिए क्या बनता है, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए की पावर एम एन डॉट ए इनवर्स, इसको हल करिए भाई तो बनेगा ए की पावर एम एन माइनस वन और इधर से आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा तो इक्वल टू ई, ठीक है भाई, और ये बराबर ई के आया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल देन एम एन माइनस वन, और एम एन माइनस वन एक परिमित राशि है, इसका मतलब यह संभव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप के अंदर अपरिमित चक्रीय ग्रुप के अंदर दो और केवल दो ही जनक होते हैं। धन्यवाद।